स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है। आप यहां देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला और बहुउद्देशीय महिला कार्यकर्ता या एएनएम के पदों पर जिसमें बैकलॉग सहित सीधी भर्ती के खुले स्पर्धा द्वारा भर्ती के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप पदों की संख्या को देखेंगे तो पदों की संख्या इसमें 253 रखी गई है। यहाँ देख सकते हैं इन सभी जिलों को मिलाकर कुल 253 पदों के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें वेतनमान 5200 से 20200, ग्रेड वेतन 2200, लेवल 5 रखा गया है। और इसमें जो पद का नाम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो श्रेणी है वो तीसरी श्रेणी का है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि आप इस ऑफिशियल जो एएनएम की वैकेंसी जारी की गई है 253 पदों के लिए, इसे कहां से डाउनलोड करेंगे और आवेदन कब से प्रारंभ होगा, ये पूरी डिटेल आप जान पाएंगे। हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ शासन के हेल्थ विभाग के ऑफिशियल वेब पेज पर और यहीं से हम उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन हैं जिसके बारे में आप जरूर जानें यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो। आपको इस ऑफिशियल वेब पेज पर आने के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक में राइट टू इन्फॉर्मेशन के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पर, रिक्रूटमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि 2021 के अंतर्गत एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है और इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 18/8/2020 से प्रारंभ होगा और 1/9/2020 तक चलेंगे। हो सकता है आने वाले समय में इनके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में बदलाव किए जाएं। आपको विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए यहाँ विज्ञापन ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एएनएम दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का यह पीडीएफ ओपन होगा और इस पीडीएफ में पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सारे इम्पोर्टेंट बातों को जानते हैं। इसमें योग्यता 12 रखा गया है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता जो प्राप्त है 18 या 24 माह का जो प्रशिक्षण होता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। इसमें केवल छत्तीसगढ़ राज्य के महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा 18 वर्ष न्यूनतम रखा गया, जबकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी यदि आवेदन करते हैं अनिवार्य है तो इसमें आयु अधिकतम 40 रखा गया। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो समय समय पर छूट दी जाती है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, कई वर्गों को 10 वर्ष की छूट, कई वर्ग को 5 वर्ष की छूट जो दी जाती है वो इसमें लागू ही रहेंगे। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक नया अधिसूचना उल्लेखित किया गया है जो कि 28/5/2019 को उल्लेखित किया गया था। इसके अनुसार जो बस्तर और सरगुजा संभाग के जिले हैं उसके तहत जो भी जिले आते हैं उसमें यदि कोई वैकेंसी जारी की गई है तो उसी जिले के कैंडिडेट ही उसमें आवेदन कर सकते हैं उसी जिले में। और इसके अलावा कोरबा जिले को भी इसी तरह से कहा गया है। कोरबा जिले में यदि कोई वैकेंसी निकला है, आप देखेंगे कोरबा जिले में, यहाँ तो कोरबा जिले में 43 पद निकला हुआ है, तो कोरबा जिले के कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, अदर जिले के कैंडिडेट कोरबा में आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि जो जैसे कि यहाँ सुकमा कोंडागांव ये बस्तर संभाग के तहत आते हैं तो यहाँ इसी जिले के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे, जबकि रायगढ़ बिलासपुर के तहत आते हैं तो रायगढ़ जिले में सभी जिले के, छत्तीसगढ़ में जो 28 जिले हैं सभी जिले के कैंडिडेट रायगढ़ जिले में आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह बेमेतरा जिले में, मुंगेली में, गरियाबंद में सभी जिले के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ऐसे इसमें प्रावधानित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कहा गया कि एक से अधिक जिलों में आवेदन किए जाने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, अमान्य कर दिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकता है और एक बार ही आवेदन कर सकता है और वो पात्र माने जाएंगे। यदि वो दो बार या एक से अधिक जिले में आवेदन करते हैं तो
वो निरस्त माने जाएंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई है और उस शर्तों को आप यहाँ देख सकते हैं। सामान्य नियम एवं शर्तें आवश्यकता दिशा निर्देश यहाँ जारी किया गया है। जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में भी यहाँ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ कहा गया है कि जो अभ्यर्थी होगा पदों की भर्ती के नियम की अर्हताएँ जो है उन्हें पूरा करता है तभी वो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होता है वो जीवित पंजीयन आप कराया होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो कि सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ न्यूनतम आयु सीमा के बारे में और दिशा निर्देश, बहुत सारे टर्म इन कंडीशन इसमें रखा गया है और पदों की संख्या को हमने पहले ही देख लिया, पदों की संख्या है 253। अब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को आप जरूर जानें। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को सत्यापित करवा लें या आपका यहाँ देखेंगे तो जैसे भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग के होते हैं उनको भी सर्टिफिकेट देने होंगे यदि उनका चयन हो जाता है। तो ऑनलाइन आवेदन यदि करते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट निकालना होगा। यहाँ बताया गया है ऑनलाइन आवेदन आप भरते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरे हैं उनको आपको प्रिंट आउट करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो आपको बना देंगे, लेकिन आपको यहीं पर ही बता दे रहते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन को। जब आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो आप उसे प्रिंट करेंगे, उस पर आपका हस्ताक्षर करेंगे, स्वयं हस्ताक्षर जैसे स्व प्रमाणित करते हैं वैसी, फिर उसे स्कैन करेंगे, फिर से अपलोड आपको करना है उसी वेबसाइट पर, तभी आपका आवेदन पूर्ण होगा। यदि आप आधा दूरा आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएंगे। यहाँ कहा गया आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने पर संपूर्ण जवाबदेही स्वयं अभ्यर्थी की होगी, यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनमें चयन कैसे होगा, एएन के पदों पर चयन कैसे होगा, उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है मापदंड, क्योंकि इसके लिए एग्जाम नहीं कराया जाना है, बिना परीक्षा का ही चयन होगा। इसमें भरी में जो प्राप्त अंक है उसका 50% अंक इसमें प्राप्त होगा। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर आपने भरी में 80% अंक लाए हैं, 80% आपने भरी में लाया है तो आपको 50% अंक मतलब कितना मिलेगा, 40 अंक मिलेगा, ना कि आपको 50 अंक, क्योंकि 50% अंक बोला गया है आप ध्यान देंगे तो। यदि आपका भरी में 80% है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। इसी तरह यहाँ कहा गया जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 18 और 24 माह का प्रशिक्षण होता है उनमें आपको आपने जितने भी प्रतिशत पाए हैं उनका 35% अंक यहाँ दिए जाएंगे, जबकि अनुभव में यहाँ 15% अंक निर्धारित किया गया है। और यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव दोनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और चयन होगा इसी के अनुसार। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें।